राम मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाकर फैसला देने के मूड में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने पहले ही साफ कर दिया था कि 18 अक्टूबर तक बहस खत्म हो जानी चाहिए, ताकि इसके बाद 4 हफ्ते का समय कोर्ट को फैसला लिखने में लगेगा। इससे यह साफ माना जा रहा है कि अपने रिटायरमेंट से पहले सीजेआई रंजन गोगोई फैसला सुना देंगे। लेकिन अब जो खबर आई है उससे ये तय माना जा रहा है कि रंजन गोगोई इस नवंबर अपने रिटायरमेंट से पहले पहले फैसला सुनाने के फुल मूड में है, क्योंकि रंजन गोगोई ने सुनवाई की डेडलाइन को और कम कर दिया है। कोर्ट के तरफ से पहले 18 अक्टूबर की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 18 अक्टूबर नहीं 17 अक्टूबर तक ही सुनवाई खत्म हो जानी चाहिए और उसके 4 हफ्ते बाद फैसला संभव माना जा रहा है। इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिक समय की मांग की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि सुनवाई तय समय पर ही खत्म हो जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो 1 घंटे रोजाना सुनवाई की समय को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही शनिवार को भी सुनवाई की जा सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक ही चलेगी, जिसके बाद 17 नवंबर को केस पर फैसला आने की तिथि निर्धारित है, क्योंकि 17 नवंबर को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी रिटायर हो रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले से भव्य और विशाल राम मंदिर बनने का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।